हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निखिल और मैं आज फिर से आप सभी लोग बीच एक नए वीडियो के साथ आया हूं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में लोग जानेंगे एक नई जॉब वैकेंसी के बारे में। तो आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को कंप्लीट देखना है बिना स्किप किए हुए, और साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो चलिए दोस्तों बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो एक बार मैं फिर से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूं हमारे स्टडीपी चैनल में। चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूं कि वो कौन सी वैकेंसी जो है निकाली गई है। तो ये वैकेंसी जो है BARC की तरफ से निकाली गई है। इसका मैं फुल फॉर्म आप लोगों को बता दूं तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है। और मैं साथ ही साथ एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं तो जो लोग भी डिप्लोमा ITI एवं ग्रेजुएशन किए हो तो आप लोग बिल्कुल भी इसमें एलिजिबल हो। और दोस्तों मैं आप लोगों को सैलरी की बात करूं तो इसमें जो सैलरी आपकी बनने वाली है 21,700 से लेकर 44,900 तक आपका सैलरी इसमें मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से बताता हूँ कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे और क्या क्या हम लोगों को रूल फॉलो करना होगा। दोस्तों जैसा कि आप लोग डिस्प्ले पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तरफ से जो है वैकेंसी आउट की गई है। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं तो यहाँ पे ओपनिंग डेट जो है यहाँ पे 1/4/2022 से अप्लाई जो है शुरू हो चुका है और इसका क्लोजिंग डेट जो है यहाँ पे 30/4/2022 तक अप्लाई होगा। तो आप लोगों को देख लेना है, जो लोग भी इसमें ITI एवं ग्रेजुएशन एवं डिप्लोमा किए हो तो आप लोग इसमें जरूर से जरूर अप्लाई करो। तो दोस्तों आप लोग यहां पे देख सकते हो कि उन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट किया है और इसमें जब भी आप क्वालिफाई हो जाओगे तो आपको इसमें पहले ट्रेनिंग दिया जाएगा। ट्रेनिंग के तौर पर आपको स्टाइपेंड के रूप में कुछ पैसा दिया जाएगा। आगे हम लोग उस सभी चीज को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने पहले ही मेंशन कर दिया है। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं कि जो लोग भी डिप्लोमा एवं ग्रेजुएशन किए हों उन लोगों के लिए कितना कितना सीट यहां पे मेंशन किया गया है। तो यहां पे अगर आपने डिप्लोमा जो है केमिकल से किया है, यहां पे देख सकते हो कि अगर आपने डिप्लोमा केमिकल से किया है तो उसमें जो टोटल सीट है 8 सीट यहाँ पे दिया गया है, जिसमें जनरल में 5, EWS में 1, OBC में 2, SC ST PWD में कोई सीट नहीं है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जो लोग भी केमिस्ट्री BSc से किए हुए हो, जो लोग भी ऑनर्स किए हुए BSc से, तो 60% मार्क्स अगर आपका आया हुआ है उसमें तो आप लोग इसमें बिल्कुल भी एलिजिबल हो। इसमें जो आपका सब्जेक्ट होने वाला है वो केमिस्ट्री, फिजिक्स और फिर आपका मैथ जो है इसमें मैंडेटरी सब्जेक्ट है आपका। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगर आपने सिविल से डिप्लोमा किया है यहाँ पे तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसमें टोटल जो सीट है 5 सीट यहाँ पे है, ओनली जनरल में 2 सीट और OBC में यहाँ पे 2 सीट यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है, और साथ ही साथ SC में भी 1 सीट यहाँ पे मेंशन किया गया है। टोटल जो सीट है 5 सीट यहाँ पे है। फिर जो लोग भी इलेक्ट्रिकल ब्रांच से डिप्लोमा किए हो वो लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ सीट है इसमें 13 सीट है, 2 जनरल वालों के लिए, EWS में 1 सीट, 6 OBC के लिए, 2 SC के लिए, 2 ST के लिए, PW में 0। जो लोग भी इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से डिप्लोमा किए हो वो लोग भी इसमें एलिजिबल हो, उसमें अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें जो है आपका नंबर ऑफ सीट जो है 4 है, सब में 1-1 सीट यहाँ पे दिया गया है, ओनली PWD और EWS में कोई सीट नहीं है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जो लोग भी इंस्ट्रूमेंटेशन से डिप्लोमा किए हो, इंस्ट्रूमेंटेशन जो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में आता है उससे अगर डिप्लोमा किए हो तो इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हो। इसमें जो नंबर ऑफ सीट है 7 सीट यहाँ पे जो दिया गया है, और यहाँ पे देख सकते हो जो लोग भी डिप्लोमा किए हो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन से तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो मैकेनिकल वालों के लिए जो यहाँ पे सीट रखी गई है वो 32 सीट रखी गई है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो सीट रखी गई है वो मैकेनिकल वालों के लिए। तो यहाँ पे मैकेनिकल में जो जनरल में आते हैं 14, EWS में 5, OBC में 5, SC में 5, ST में 5, सॉरी ST में 3 और PWD में 0। तो यहाँ पे जो लोग भी डिप्लोमा किए हुए मैकेनिकल ब्रांच से वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि आपका डिप्लोमा में 60% मार्क्स नेसेसरी है। अगर आपका 60% मार्क्स इसमें आया हुआ है तो आप लोग बिल्कुल भी एलिजिबल हो। और दोस्तों साथ ही साथ मैं आप लोग बता दूं तो ये कैटेगरी फर्स्ट और सेकंड के लिए है। तो जो लोग भी डिप्लोमा एवं ग्रेजुएशन किए हो वो लोग कैटेगरी रहोगे। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ जो है कैटेगरी सेकंड के लिए यहाँ पे आ चुका है। तो इसमें भी सेम कंडीशन है, आपका स्टाइपेंड ट्रेनिंग के रूप में कुछ पैसा दिया जाएगा और इसमें आप जब भी पास हो जाते हो तो उसमें आपको पहले ट्रेनिंग में 2 साल का ट्रेनिंग होगा, उसके बाद आपका ज्वाइनिंग होगा। तो यहाँ पे कैटेगरी सेकंड में जो लोग भी ओनली ITI किए हो वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो इस सभी ट्रेड से अगर आपने ITI किया है तो आप लोग इसमें बिल्कुल भी एलिजिबल हो। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को
पढ़ के बता देता हूँ कि तो यहाँ पे पहला जो है एसी मैकेनिक्स के लिए है, यहाँ पे टोटल जो सीट है 15 सीट है। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो अगर आपने आईटीआई, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक, मशीन, फीटर, इंस्ट्रूमेंट, फिर वेल्डर, इस सब से अगर आपने आईटीआई किया है तो इसमें आप लोग बिल्कुल भी एलिजिबल हो, यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है। और एसी का जो मैकेनिक होता है उसका सर्टिफिकेट आपने अगर बनवा लिया है तो वो भी इसमें आपका रिक्वायर्ड होने वाला है। और साथ ही साथ आपका एनसीटी आईटीआई पास आउट रहना चाहिए 2 साल का, मतलब कि रेगुलर आपका 2 साल का जो आईटीआई होता है वो कंप्लीट रहना चाहिए। फिर आपका 2 साल का अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होना चाहिए, अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया है कहीं पे भी तो वो भी आपका इसमें नेसेसरी रखा गया है। अगर आपका 1 साल हो चुका है, अगर आपने 1 साल एक्सपीरियंस बनवा लिया है तो वो लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हो। और इसमें जो है एनसीटी आईटीआई पास आउट 1 ईयर ड्यूरेशन प्लस एनएससी ऑफ मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन अंडर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग से। और इसमें भी जो आपका है, अगर आपका 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है एनसीए में, अगर आपने मिनिमम 1 साल भी काम किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। और पोस्ट 2.9 के लिए मैं आप लोग बता दूं तो इसमें जो है आपका 12th भी रहना चाहिए और साथ ही साथ आपका आईटीआई भी रहना चाहिए, जो कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है। तो आप लोगों को क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा नोटिफिकेशन का, आपको लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है और उसको अच्छे से पहले पढ़ लेना है। मुझसे कोई कोई छूट भी जाती है तो आप लोगों को एक बार नोटिफिकेशन जरूर से जरूर पढ़ना है। मैं इसमें आप लोगों को जो मेन पॉइंट होता है मैं वही आप लोगों को बताता हूँ, तो इसलिए आप लोगों को एक बार नोटिफिकेशन अच्छे से अपने से पढ़ना है। फिर हम लोग नीचे बढ़ते हैं तो यहाँ पे ये जो है आपका डिग्री मांगा गया, ये सब आप अपना पढ़ लेना अच्छे से। फिर हम लोग नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे लास्ट डेट जो रखा गया है, यहाँ पे 30/4 रखा गया है जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है। और दोस्तों साथ ही साथ मैं आपका एज लिमिट की बात करूं तो एज लिमिट अगर आपका 30/4/2022 से मिनिमम 18 साल हो चुका है तो आप लोग इसमें बिल्कुल भी एलिजिबल हो। और कैटेगोरी फर्स्ट के लिए 18 साल, कैटेगोरी सेकेंड के लिए भी 18 साल रखा गया है। और मैक्सिमम जो एज रखा गया है कैटेगोरी फर्स्ट के लिए 24 साल रखा गया है और कैटेगोरी सेकेंड के लिए रखा गया है 22 साल, जो कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया है, तो आप लोग अच्छे से यहाँ पे देख लेना। और जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होने वाला है वो आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट या जो भी आपका डिप्लोमा, आईटीआई, ग्रेजुएशन, जो चीज पे भी आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा उसके हिसाब से आपका डेट ऑफ बर्थ को जोड़ा जाएगा। फिर मैं आप लोगों के लिए एज रिलैक्सेशन की बात करूं तो यहाँ पे एसटीएससी के लिए 5 साल रखा गया है और ओबीसी के लिए 3 साल रखा गया है, जो कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है। और सेकंड जो यहाँ पे रखा गया है, जिनके परिवार में अगर उनके गार्जियन डेथ किए हुए हैं 1984 के रूल के हिसाब से, तो यहाँ पे वो लोग के लिए भी यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया गया है जो कि 5 साल का यहाँ पे दिया गया है। थर्ड जो मैं आप लोगों के लिए बात करूँ तो थर्ड जो है पीडब्ल्यूडी के लिए है, तो पीडब्ल्यूडी से जो लोग भी बिलोंग करते हो उन लोगों के लिए भी यहाँ पे एज रिलैक्सेशन रखा गया है। जो लोग भी विडो, डाइवोर्स, ओमेन हो उन लोगों के लिए भी यहाँ पे एज रिलैक्सेशन रखा गया है, तो ये सभी चीज आपको अच्छे से अपने से पढ़ लेना है। फिर मैं फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करूं तो यहाँ पे आपका मिनिमम जो हाइट है 160 सेंटीमीटर रहना चाहिए, साथ ही साथ आपका मिनिमम जो वेट है वो 45.5 केजी रहना चाहिए, जो कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी किया है, तो आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेना है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे डेट ऑफ ट्रेनिंग पीरियड की मैं बात करूं तो आपका जो डेट ऑफ ट्रेनिंग पीरियड होने वाला है वो 2 साल का होने वाला है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया। अगर आप इसमें पास आउट हो जाते हो तो फिर आपको पहले ट्रेनिंग में भेजा जाएगा। ट्रेनिंग में आपको स्टाइपेंड के रूप में यहाँ पे पैसा भी दिया जाएगा, जो कि आगे मेंशन भी किया गया है। तो जो आपका फर्स्ट ईयर, जब आप फर्स्ट ईयर में जाओगे तो उस समय आपका जो कैटेगोरी फर्स्ट के लिए, कैटेगोरी फर्स्ट में मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया जो लोग भी डिप्लोमा एवं ग्रेजुएशन किए उन लोगों के लिए कैटेगोरी फर्स्ट है, तो कैटेगोरी फर्स्ट में अगर फर्स्ट ईयर में आप लोग जाते हो तो उनके लिए 16,000 यहाँ पे रखा गया है। और कैटेगोरी सेकंड के लिए जो लोग भी आईटीआई किए हुए हो उन लोगों के लिए तो 10,500 पहला साल आपको इतना मिलने वाला है। फिर दूसरा साल जैसे ही आपका ट्रेनिंग पीरियड होता है तो उसमें फिर आपका जो है सैलरी बढ़ जाएगा, स्टाइपेंड का जो पैसा होगा वो बढ़ जाएगा, तो फिर सेकंड ईयर में आपका 18,000 मिलने वाला है और कैटेगोरी फर्स्ट के लिए, कैटेगोरी सेकंड के लिए 12,500 मिलने वाला है, जो कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया है, तो आप लोगों को अपने से देख लेना है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मैं सिलेक्शन मेथड की बात करूं कैटेगोरी फर्स्ट के लिए, तो इसमें जो है आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा 1 घंटे के लिए, जिसमें कि आपका 40 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, सारे वो मल्टीपल च्वाइस क्वेश्चन होंगे। अगर आपका एक क्वेश्चन सही होता है तो उसमें आपका 3 नंबर मिलने वाला है, अगर गलती होता है तो 1 नंबर आपसे डिडक्ट कर लिया जाएगा, तो यहाँ पे निगेटिव मार्किंग यहाँ पे रखा गया है।
तो यहाँ पे आप लोग अपना देख लेना। तो कैटेगरी फर्स्ट वालों के लिए ये है, कैटेगरी सेकंड वालों के लिए आगे मैं दिखाता हूँ आप लोगों के लिए। अगर आपका रिटर्न निकल जाता है फिर आपको उसके बाद इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जो कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है। फिर कैटेगरी सेकंड वालों के लिए मैं बात करूँ तो कैटेगरी सेकंड वालों के लिए इसमें भी तीन स्टेज में आपका एग्जाम होगा, स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड, स्टेज थर्ड। प्री टेस्ट होगा आपका यहाँ पे, और प्री टेस्ट में आपसे पूछा जाएगा मैथमेटिक्स में 20 क्वेश्चन, साइंस में 20 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस में 20 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा। इसमें भी सेम कंडीशन रखा गया है, अगर आपका एक क्वेश्चन सही होता है तो 3 नंबर मिलेंगे, अगर आपका एक गलत हो जाता है तो फिर 1 नंबर आपसे काट लिए जाएंगे। तो ये यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया है, इसमें भी आपका निगेटिव मार्किंग रखा गया है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ स्टेज सेकंड में आपसे एडवांस टेस्ट लिया जाएगा, जो कि यहाँ पे आप अपना यहाँ पे पढ़ लेना क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। तो इसमें आपसे 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि हर एक पे आपको 4 नंबर मिलेंगे, और 2 घंटे का इसमें आपको टाइमिंग मिलने वाला है। और इसमें भी अगर आपका एक क्वेश्चन गलती होगा तो उसमें आपका 1 नंबर काट लिए जाएंगे। फिर आपका आता है थर्ड स्टेज, तो थर्ड स्टेज में आपसे स्किल टेस्ट लिया जाएगा, स्किल टेस्ट में आपसे ये सब पूछा जाएगा, जो कि आपका मेरिट लिस्ट जो है सेकेंड स्टेज पे बनेगा, लेकिन शॉर्ट लिस्ट जो होगा थर्ड स्टेज के द्वारा होगा, उसमें आपसे कुछ इंटरव्यू के तौर पे कुछ पूछा जाएगा। अगर आप उसमें क्वालिफाई हो जाओगे तो आपका इसमें फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, जब आपका ट्रेनिंग पीरियड खत्म हो जाएगा तो उसके बाद आपका फाइनल जो सिलेक्शन होगा, कैटेगरी फर्स्ट वालों के लिए मैं आप लोगों को बात करूं, साइंटिफिक असिस्टेंट के तौर पे आपका बहाली होने वाला है, जो कि ग्रुप बी के अंदर में आता है। तो यहाँ पे लेवल जो है आपका लेवल 7 होने वाला है, और इसमें आपको जो सैलरी मिलने वाली है 44,900 मिलने वाली है, जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तब। फिर मैं सेकेंड कैटेगरी की बात करूं, तो उसमें जो है आप लोगों का सिलेक्शन जो है टेक्नीशियन बी के तौर पे होगा या टेक्नीशियन सी के तौर पे होगा, जो कि ग्रुप सी के अंदर में आता है। तो इसमें जो आप लोगों का सैलरी मिलने वाला है लेवल 3 और लेवल 4 का सैलरी मिलने वाला है, जो कि 21,700 से लेके 25,500 तक मिलने वाला है, तो जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तब। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आपका जो ड्यूटी मिलने वाला है, यहाँ पे कैटेगरी फर्स्ट वालों के लिए है, केमिकल वालों के लिए ड्यूटी ये रहेगा, केमिस्ट्री, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन और मैकेनिकल, इन सभी के लिए जो आपका ड्यूटी मिलने वाला है, ये आपका ड्यूटी मिलने वाला है, तो आप अपना इसमें पढ़ लेना। तो कैटेगरी सेकंड जो आईटीआई वालों के लिए है, उन लोगों के लिए ड्यूटी जो है ये रखा गया है, जो लोग भी इन सभी ट्रेड से आईटीआई किए हो तो उन लोगों के लिए ये काम मिलने वाला है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे वैकेंसी जो है कुछ और की निकाली गई है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो यहाँ पे साइंटिफिक असिस्टेंस बी की जो वैकेंसी निकाली गई है, जो कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो लोग भी डिप्लोमा आईटीआई ग्रेजुएशन किए हुए हो, पहले आप अगर ऊपर वाले में भरते हो कैटेगरी फर्स्ट और सेकंड में, तो वही ऑफिसर जो आपने सैलरी देखा है वही ऑफिसर का भी यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है, जो कि इसमें सीट जो है एक ही सीट है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मैं बात करूँ इसमें, तो डिप्लोमा किए हुए हो किसी भी ब्रांच से, विथ आपका 50% नंबर जो है आपके डिप्लोमा में रहना चाहिए, या आपने बीएससी किया है किसी भी ब्रांच से तो आप, और उसमें भी आपका 50% नंबर है तो आप इसमें बिल्कुल भी एलिजिबल हो। और साथ ही साथ 1 ईयर डिप्लोमा का सर्टिफिकेट इंडस्ट्रियल सेफ्टी में, मतलब कोई भी इंडस्ट्री में आपने अगर काम किया है 1 साल तो आप इसमें बिल्कुल भी एलिजिबल हो। तो दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आगे जो है वैकेंसी निकाली गई है टेक्नीशियन बी की। टेक्नीशियन बी में है जो टोटल सीट जो है वो 1 है, यहाँ पे देख सकते हो। और इसमें साथ ही साथ मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं, तो आपका 12th में 60% मार्क्स होना चाहिए, और आपका इसमें सब्जेक्ट जो रहना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और साथ ही साथ आपका इसमें आईटीआई भी रहना चाहिए, 1 ईयर एक्सपीरियंस भी आपके रहना चाहिए साइंस, लाइब्रेरी साइंस में, जो कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी किया है। तो आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेना है सब चीज। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे टेक्नीशियन बी के लिए निकाला गया है फिर से, जो कि रीगर में निकाला गया है। इसमें जो टोटल वैकेंसी जो निकाली गई है 4 सीट निकाली गई है, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। और इसमें भी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी गई है, जो लोग भी पीसीएम से, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में अगर आपका 60% मार्क्स है तो आप लोग इसमें बिल्कुल भी एलिजिबल हो। और इसमें आपका रीगर ट्रेड से 1 ईयर का एक्सपीरियंस रहना चाहिए, और साथ ही साथ आपका आईटीआई पास आउट होना चाहिए। तो ये इसका जो एडवर्टाइजमेंट है थोड़ा सा लंबा है, इसलिए थोड़ा टाइम भी लग सकता है, तो आप लोगों को कंप्लीट देखना है।
तो अभी जो हम लोगों ने वैकेंसी देखा है उसके लिए एज लिमिट की बात करूं तो जो लोग जिनका भी डीआर फर्स्ट के लिए 18 साल हो चुका है मिनिमम, तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। डीआर टू या डीआर थ्री के लिए 18 साल ही रखा गया है। मैक्सिमम जो है इसमें डीआर वन के लिए 30 साल रखा गया है और डीआर टू एवं डीआर थ्री के लिए 25 साल रखा गया है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो इसमें भी सेम जो है आपका डेट ऑफ बर्थ आपके सर्टिफिकेट के अनुसार रहना चाहिए। अब मैं सिलेक्शन मेथड की बात करूं तो सिलेक्शन मेथड में डीआर फर्स्ट के लिए जो सिलेक्शन मेथड होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो लोग भी डिप्लोमा एवं ग्रेजुएशन किए थे उन लोगों के लिए जो रूल रेगुलेशन रखा गया है सेम रूल रेगुलेशन यहाँ पे रखा गया है। तो उन लोगों के लिए जो एग्जाम रखा गया था वही एग्जाम इसमें भी रखा गया है। फिर वही डीआर टू के लिए भी सेम कंडीशन है जो कि यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हो। डीआर थ्री के लिए भी सेम कंडीशन यहाँ पे रखा गया है जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो इसमें जो सैलरी रखा गया है, आप डायरेक्ट अगर साइंटिफिक असिस्टेंट बनते हो तो लेवल सिक्स का इसमें पेमेंट आपको मिलने वाला है जिसमें कि आपको 35,400 पैसा मिलने वाला है। फिर टेक्नीशियन बी की बात करूं जो कि लाइब्रेरी साइंस में जो अपॉइंट होंगे, लेवल थ्री की आपका सैलरी मिलने वाला है जो कि 21,700 मिलने वाला है। फिर टेक्नीशियन बी की बात करूं जो कि रिगर से रहना चाहिए, लेवल थ्री का होना होगा और इसमें जो आपका पैसा मिलने वाला है 21,700 मिलने वाला है जो कि यहाँ पे इन्होंने सारा चीज मेंशन कर दिया है, तो आप लोगों को अपने से देख लेना है। फिर यहाँ पे मैं आप लोगों को ड्यूटी की बात करूं तो इसमें ड्यूटी आप लोगों को क्या करना है तो यहाँ पे आप अपना देख लेना। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो इसमें अप्लाई कैसे करना है, आप लोगों को अप्लाई करने का जो मेथड यहाँ पे रखा गया है ऑनलाइन अप्लाई करना है, इस वेबसाइट से आपको करना है। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दे दूंगा वेबसाइट का, आप वेबसाइट पे डायरेक्ट जाके वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और इसका अप्लाई एप्लीकेशन डेट जो है शुरू हो चुका है 1 तारीख से और इसका लास्ट डेट जो रखा गया है 30 तारीख तक रखा गया है जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। फिर मैं एप्लीकेशन फी की यहाँ पे बात करूं तो 1.1, तो यहाँ पे जो पोस्ट 1.1 से लेके 1.7 तक एंड डीआर फर्स्ट, तो इसका मतलब हुआ कि जो लोग भी डिप्लोमा एवं ग्रेजुएशन साथ ही साथ डीआर फर्स्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया डीआर फर्स्ट का भी वैकेंसी निकाला गया है, तो इन तीनों में अगर आप अप्लाई करते हो तो आपका यहाँ पे 150 रुपया फी लगने वाला है जो कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है। फिर साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं, तो पोस्ट 2.1 से लेके 2.11 तक और डीआर टू और डीआर थ्री, तो अब समझाने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। जो लोग भी आईटीआई किए हुए हो और साथ ही साथ डीआर टू डीआर थ्री जो कि वैकेंसी निकाली गई है मैंने आप लोगों को दिखाया भी है, तो इसमें जो आपका एप्लीकेशन फी का जो चार्ज होगा 100 रुपीज रहेगा जो कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी किया है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे जनरल कंडीशन यहाँ पे कुछ रखा गया है तो ये आप लोगों को अपने से पढ़ लेना है। फिर हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं, तो यहाँ पे जो आपका एग्जाम जो रखा जाएगा रिटन एग्जामिनेशन जो कंडक्ट किया जाएगा मुंबई एवं चेन्नई में किया जाएगा जो कि यहाँ पे इन्होंने ये तक मेंशन कर दिया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आईटीआई वालों के लिए 3 स्टेज होने वाले हैं, तो जो थर्ड स्टेज का आपका स्किल टेस्ट होने वाला है ओनली मुंबई में होने वाला है जो कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया है। जो आपका कैटेगरी फर्स्ट वालों के लिए आपका इंटरव्यू जो होगा आपका मुंबई में होगा जो कि यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल भी क्लियर कर दिया है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो ये जो है आपको इंटरव्यू के समय यहाँ पे सर्टिफिकेट का कॉपी ले जाना है, ये सब आपको वहां पे जमा करना होगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो ये सभी आपको जमा करना होगा, आप अपना अच्छे से पढ़ लेना। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से जो भी मैंने चीज बताया वो क्लियर हो गया होगा। अगर नोटिफिकेशन में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग कमेंट्स करके मुझे पूछ सकते हो, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई दे दूंगा। और साथ ही साथ अगर हमारे स्टीडीपी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन के घंटी भी दबा लो ताकि आपको नई टेक्निकल और नॉन टेक्निकल से रिलेटेड सभी वीडियो की अपडेट आपके मोबाइल पे जल्द से जल्द मिल सके। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं तो हमारे स्टीडीपी चैनल पे कैड का सीरीज चलाया जाता है और साथ ही साथ कैड से रिलेटेड जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं क्रैक भी कराया जाता है। अगर आपको उसका भी वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल पे विजिट करके आप वहाँ पे हमारा प्लेलिस्ट सभी का बना हुआ है, आप वहाँ पे देख सकते हो। और दोस्तों साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक और रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और अगर आपने अभी तक टीडीपी चैनल के सोशल मीडिया को फॉलो नहीं किया है
तो उसको जाके जरूर फॉलो करो। डिस्क्रिप्शन में मैंने सभी का लिंक दे दिया है, तो आप लोगों को सिंपली जाना है फॉलो एवं ज्वाइन, वहां से कर लेना है, ताकि आपको जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मैं वहां पे डालते रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जाना चाहते हैं, स्वस्थ रहें, अपने और अपने परिवार का ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखें। सो थैंक यू सो मच दोस्तों।